हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आप हमारे साथ किन्नौर जर्नी का हमारा 6th पार्ट देखेंगे। आज हम कल्पा से चेकआउट कर रहे हैं और जा रहे हैं संगला वैली के लिए। ये देखिए कल्पा से किन्नौर कैलाश, ये देखिए संगला वैली चल पड़े हम, और ये रास्ते में करछम डैम। करछम डैम जो है ना, ये रिवर बसपा और रिवर सतलुज पे बना हुआ है। तो सांगला वैली के लिए जो रोड है ना, वो रिवर बसपा के किनारे किनारे बना हुआ है। मतलब बसपा नदी के साथ साथ चलती है, तो हम उस तरफ को टर्न ले रहे हैं। देखिए ब्रिज, सारे डैम के एरियाज हैं ये। रिवर काफी नीचे रह जाती है, मतलब ये जो रोड है ना सांगला वैली के लिए, ये हाइट पे बना हुआ है काफी। और ये अभी चल पड़े हम सांगला वैली की तरफ। ये देखिए ये सांगला वैली के लिए गेट। अब हाइट चढ़ते जाएंगे। ये देखिए ये आ गया वो नैरो रोड, बहुत खतरनाक रोड। नीचे रिवर काफी नीचे है, और ये रोड ऊपर से पत्थरों को काट काट के, पहाड़ों को काट काट के बनाया हुआ, और नैरो रोड है काफी। ये आगे एक टेंपल है। ये देखिए यहाँ पे पास देने के लिए भी ना बहुत मुश्किल होती है, बहुत ही कंजस्टेड है ये टेंपल। यहाँ पे माथा टेक के जाते हैं। और ये देखिए अभी चले हुए हैं, ऐसे रोड्स पे ना हमें अवॉइड करना चाहिए रात को ट्रैवल करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लैंडस्लाइड या फिर मतलब पत्थर गिरते रहते हैं अमूमन ऐसे रोड्स पे। तो इससे बेटर होता है कि अवॉइड ही करें रात को चलना। ये देखिए ये बाहर के लोग, टूरिस्ट रॉन्ग साइड से पास देते हैं, बहुत डरते हैं ये। चलो डर भी अपनी जगह सही है, रोड इतने खतरनाक होते हैं तो। करछम से शायद सांगला वैली 18 किलोमीटर है, और मैक्सिमम रोड ऐसा ही है। पर वादियां इनको देख के तो सब कुछ भूल जाते हैं। देखिए बीच बीच में रोड थोड़ा ख़राब भी है, पर नहीं चलो कंस्ट्रक्शन चला हुआ है रोड का भी, अच्छे से मेंटेन करते रहते हैं। ये देखिए वेलकम टू तुपका वैली, यहाँ पे एक डैम भी था। यहाँ से 4 किलोमीटर रह जाता है सांगला, यहाँ से आगे थोड़ा प्लेन ही है अब। ये देखिए ये सांगला वैली दिख रही है आगे, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही ज्यादा। ये देखिए यहाँ पे ये सांगला मार्केट स्टार्ट होने लग जाती है यहाँ से। ये देखिए ऊपर पहाड़, ये किन्नर कैलाश के पहाड़ हैं, और उसके तराई में ना ये सांगला वैली है। और ये देखिए मेन द्वार, मुख्य द्वार सांगला के लिए। यहाँ पे बस स्टैंड है सांगला का। ठीक ठाक है मार्केट,
मतलब जरूरत का सारा सामान मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए सांगला में मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन कामरू फोर्ट, ये बहुत 1000 ईयर पुराना फोर्ट है। ऐसा बोलते हैं कि ये बद्रीनाथ जी ने खुद बनाया हुआ है, और ये बुशहर डायनेस्टी के मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई थी बुशहर डायनेस्टी, ये मेन जगह थी। और ये पूरा विलेज है कामरू विलेज, और यहाँ पे एक टेंपल भी है कामाख्या देवी का। ऐसा बोलते हैं कि आसाम से लाए थे उनका मतलब मूर्ति या कुछ। और ये देखिए वैली, सांगला वैली, ये टूरिस्ट यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं सांगला वैली के नज़ारे। अगर इसको हम मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलें तो गलत नहीं होगा, बहुत ही सुंदर जगह है। रोड के काम भी चले हुए हैं, साथ साथ में इसको मेंटेन करते रहते हैं। पर ये है कि हैवी स्नोफॉल की वजह से ना रोड ख़राब हो जाते हैं जल्दी, अदरवाइज। ये देखिए अब ये रक्षम, रक्षम के लिए मेन गेट यहाँ से। और ये देखिए रक्षम स्ट्रीम्स साथ साथ में चली हुई हैं, यही तो मजे हैं यहाँ पे। मंत्रमुग्ध कर देने वाली वादियाँ, पहाड़, पेड़, बर्फ, स्ट्रीम, सब कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे। देखिए हर जगह स्ट्रीम्स, थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्ट्रीम्स। ये देखिए यहाँ हम रुके थोड़ी देर, एंजॉय कर रहे थे इसको बहुत। मिष्टी तो पूरे मज़े ले रही थी, बिल्कुल जिसको बर्फ़ का पानी पिघल के आ रहा है ये सारा, और इतना ठंडा पानी जून मंथ में भी मतलब ठंड लग रही थी बहुत, पर मिष्टी ये कहाँ मानने वाली। ये देखिए ये ना कई बार मतलब फ्लड आ जाता है तो उसके साथ ये पहाड़ से ना ये पत्थर, बड़े बड़े पत्थर आते हैं साथ में, तो ये खतरा बना रहता है ऐसी जगह पे। देखिए अभी हम चल पड़े रक्षम से चितकुल की तरफ, वो सामने वो जो बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं ना, यहाँ से तिब्बत बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। चितकुल से 16 किलोमीटर दूरी है बस, और राइट साइड को उत्तराखंड। वो सामने दिख रही है चितकुल वैली, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही ज्यादा इतनी शानदार जगह, पीसफुल। सभी को यहाँ पे एक बार तो विजिट करना ही चाहिए अपनी लाइफ में। ये ट्रिप तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। ये देखिए चितकुल वैली, ये बीच में खेत, इतना कूल एटमॉस्फेयर। चितकुल को हिंदुस्तान का आखिरी विलेज भी बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके आगे कोई विलेज नहीं है और तिब्बत बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है विलेज से, मतलब ये आखिरी विलेज है यहाँ पे। फिर इसके आगे ना ITBP की एक पोस्ट है, बस वहाँ जाने नहीं देते हैं। यहाँ तक क्या अलाउड है जाना, और यहाँ से ना ट्रैक भी हैं जैसे उत्तराखंड के लिए, हरसिल के लिए निकलता है शायद यहाँ से एक ट्रैक। देखिए
देखिए, बीच में स्ट्रीम्स दिख रही हैं ऊपर से आती हुई। यहाँ पे ना रहने के लिए होमस्टेज भी हैं और कैंप्स भी हैं, आप यहाँ पे रुक सकते हो। ये देखिए टूरिस्ट वादियों को कैप्चर कर रहे हैं अपने मोबाइल में, कैमराज में, हर चीज में। छोटा सा विलेज है और नीचे रिवर बसपा। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही ज्यादा। ये देखिए रोड की मेंटेनेंस का काम भी चला हुआ। ये हम यहाँ गए हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, यहाँ पे जाके लंच किया। और इसके सामने देखिए रिवर बसपा, क्या नजारे हैं। बहुत टेस्टी खाना बनाया हुआ था। ये देखिए अब लंच करके वापस आ गए और मिष्टी एंजॉय कर रही है यहाँ का वेदर। ओह गिर गई, पत्थरों पे चलने नहीं आ रहा है। ये देखिए कहीं भी नजर दौड़ाए, बहुत ही सुंदर जगह है, हर तरफ नजारे देखने को। ये देखिए हमारी सांगला वैली की पिक्स, सांगला चितकुल रक्षम। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू।